before Wayne. Wayne. Morning, sir. No. Danish. Your number? 052. Yeah. 9938. 992. 992. 992, yeah. Okay, sir. Thank you. Okay. तो ये एंट्री भी करानी पड़ती है यहाँ पे, यहाँ से हाइकिंग ट्रायल स्टार्ट होता है। अभी तो हाइकिंग ट्रैक जो है वो बिल्कुल वेट हो रहा होगा। ये देखें क्या हाइकिंग ट्रैक है यार, देखें सारा सब हाइकिंग है। बिच्छू भी लिखे हैं मेरे, और बी वेयर ऑफ बिच्छू, और सांप भी हैं इधर। ये देखें बिच्छू और सांप का भी बना हुआ है। तो देखते हैं हम जितना कर सकते हैं उतनी कोशिश करेंगे। देखिए बेंचे वेंचे लगाई हुई हैं इन्होंने यहाँ पर, हर चीज़ें प्रॉपरली लगाए हुए। तो बस ये डिपेंड करता है कितना कर सकते हैं। ये बारिश हुई है, देखें मट्टी है ये भी हुई है, वरना बच्ची पूरी फूली होती है। तो अभी ये देखें मट्टी तो इतना वो नहीं है, ग्रीन नहीं। देखें आप हाइकिंग में, ये मुशरिफ पार्क की हाइकिंग है, इसमें आप ग्रीन नहीं देखें। ये अराउंड आई थिंक 10 किलोमीटर है, पूरा 10 किलोमीटर तो मैं नहीं जाऊँगा, जितना जा सकता हूँ उतना देखता हूँ। तो इन्होंने ये बीच में बनाया हुआ है, इस पर आप रनिंग भी कर सकते हैं और वैसे भी वॉक कर सकते हैं। तो जो आपको सही लगे, वॉकिंग करनी है वॉकिंग करें, वॉक करनी है वॉक करें। देखिए दरख्त बनाए हुए, ये किस तरीके से ट्रैकिंग बना के इन्होंने ये लगाया हुआ इस तरीके से। ये हार्ड भी बनाए हुए थे, अप एंड डाउन बनाए हुए ज़िगज़ैग करके। ये देखिए ग्रीनरी, देखिए ये जो है साइकिलिंग के लिए बनाया है। ये देखें कैसा बना है, बिल्कुल जंगल के बीच में आ गया। देखें चारों तरफ जंगल ही जंगल, घुमाते हुए उन्होंने यहाँ से शॉर्टकट भी मार सकते हैं हम, तो कहीं से भी जा सकते हैं, बाय वॉक है। इस तरीके से बनाया हुआ, स्मेल जो है वो बहुत ज़बरदस्त स्मेल है।
ऊंची कुर्सी बनाई बैठाने के लिए। देखिए इस तरीके से बनाया हुआ, तो इस तरीके से बनाया हुआ है। तो मैं अभी यहाँ से ख़त्म करके थोड़ा आगे जाके बनाता हूँ। ये गुलहरी देखें, ये गुलहरी आपको देख रही है, ये रही गुलहरी, पता नहीं दिख रही हो नहीं दिख रही हो। ऐसा मौसम बहुत अच्छा है ना, गुलहरियाँ वुलहरियाँ सब निकली होंगी। चलो ठीक है, आगे मैं जाके कोई ऐसी जगह मिलती है जिसमें कुछ देखने की जगह है तो फिर मैं वहाँ जाके बनाऊँगा। ठीक है चलो। तो देखें कैसे ये आपको धूप के शेड में शबनम दिख रही होगी पत्तों में। फैमिली जा रही है आगे, आगे पहुंच के फिर चलता हूँ मैं। तो हाइकिंग कर रहे हैं हम लोग मुशरफ पार्क में, आप देख रहे हैं ऐसे ग्रीनरी, लश ग्रीनरी ग्रास के अंदर इन्होंने बनाई हुई है सारा, और हर जगह बताया हुआ भी है कितना रह गया है, कितना जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये 1 किलोमीटर इधर है और 7 किलोमीटर इधर है। तो दुबई ये देखें पूरा ये लगाया हुआ है, ये फर्स्ट ब्रिज आ गया बीवियर, ये बैठने की जगह है। तो ब्रिज के ऊपर से चले जाएंगे, शेक करने वाला ब्रिज है। फर्स्ट ब्रिज है, यहाँ पे शॉर्टकट के भी बहुत सी तरह जगह हैं, तो शॉर्टकट भी मार सकते हैं अगर मानना चाहें। डिपेंड करता है आपको, बीच में शॉर्टकट की जगहें भी आती हैं। ठीक है थोड़ा मैं आगे जाके फिर मैं बनाता हूँ। ये तो आप देख रहे हैं सारा कैसा ग्रीनरी से भरपूर है। चलो मैं थोड़ा आगे जाके फिर और बनाता हूँ। हम लोग यहाँ से ना इस जगह से आए थे, कैसा ज़बरदस्त मंज़र है। सो वॉक करते हुए आए थे और अब आगे की तरफ जाना है। तो बस ये हाइकिंग का यही मज़ा है, बस आपको चीज़ें बड़ी डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलती हैं। तो आप देखते रहें और चलते रहें, परिंदा होगा सामने। कितना प्रॉपर बनाया है इन्होंने, ये रेगिस्तान है बेसिकली। आप इमेजिन करें यू आर वॉकिंग इन द डेजर्ट और देखें कैसा है चीज़ें।
ग्रीनरी देखें, ट्रीज देखें, ट्रैक देखें प्रॉपर बनाए हुए, तो बस सिस्टम प्रॉपर सिस्टम हो तो बस ऐसा हो जाता है। अच्छा ये जो है ये बनाया था, ये रेड बनाया होता है कहते हैं ये एक्स्ट्रा है यहाँ से आप जाना चाहें तो, और एक्चुअली ये है 6 किलोमीटर और ये एक एक्स्ट्रा बनाया मैंने, वो घुमा के उधर ही उतार देगा आपको, तो इसमें भी चल के देख लेते हैं। ये बेसिकली अक्सर ट्रैक बनाया होता है उन्होंने के बंदे जाके कुछ देख लें, वरना एक्चुअल ट्रैक तो वही है। चलें मैं थोड़ा आगे जाके फिर और बनाता हूँ। तो ये देखें ये 2 किलोमीटर इधर है, 6 किलोमीटर इधर है, तो ये देखें ब्रिज आ गया, ये देखें लिखा हुआ दुबई पार्क। ये ब्रिज के ऊपर मैं चढ़ा, ये ब्रिज आप देख रहे हैं, तो ये हाइकिंग चल रही है, आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ग्रीनरी, बहुत ज़्यादा है हर जगह पर, देखेंगे हाइकिंग कर रहा है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, बारिश की वजह से देखेंगे हाइकिंग मेरी कंटिन्यू से चल रही है, कैसी कैसी जगह बनाएंगे हाइकिंग के लिए। तो ये आप देखें बिल्कुल जंगल बाबान, वो देखें कुर्सी भी लगाई हुई उन्होंने, ये देखें कुर्सी लगाई हुई उन्होंने बैठने के लिए, इधर बैठ सकते हैं आराम से रिलैक्स होकर बैठ चिल करें।
बहुत बड़ा है जगह, लेकिन मैंने शॉर्टकट लिया, कुछ छोटा कर दिया। ऊपर चढ़ गए माउंटेन्स पे, देखे सारा ग्रीनरी, देखें क्या सबसे ग्रीनरी। यहाँ से नीचे उतरना है, फिर वहाँ से ऊपर चढ़ना है। आप देखें ज़बरदस्त ट्रैक बनाए हुए उन्होंने, तो ज़बरदस्त ग्रीनरी है। तो डेफिनेटली मस्ट विजिट जगह ही है, ज़रूर आए यहाँ पे विजिट करने, क्योंकि देखिए ज़बरदस्त हाइकिंग का ट्रैक है। आज का वेदर भी सही है, गर्मियों में तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर पाऊँगी, अभी जो है ये बिल्कुल सही ट्रैक है। आप ज़रूर विज़िट करने आए यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको आगे जाके फिर और बना के दिखाता हूँ। तो ये देखें सारा बिल्कुल ग्रीनरी, देखें कैसी ग्रीनरी है, हाइकिंग करने की जगह कितना ज़बरदस्त है, पुरसकून माहौल है। तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि आप बिल्कुल सिटी से कट के जगह जब बनाई हुई है उन्होंने। तो आए यहाँ पे ज़रूर एंजॉय करें, बच्चों के साथ भी आए। टोटल ट्रैक जो है वो ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर होगा, लेकिन आप शॉर्टकट ऑलवेज यू कैन टेक अ शॉर्टकट, शॉर्टकट ले सकते हैं, हाफ हाफ करके जा सकते हैं इस तरीके से डाउन आप आएगा। तो सारा मज़ा ही इसी का है हाइकिंग का। साइकिलिंग है तो यहाँ पे साइकिलिंग भी ट्रेल है, अच्छा वहाँ भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, रनिंग जॉगिंग ट्रैक है, तो फिटनेस के लिहाज से बड़ा ज़बरदस्त स्पॉट है ये। अब रिसेंटली न्यूज़पेपर में भी आ रहा था शेख मोहम्मद भी विज़िट कर रहा था, यहाँ पे बैठा हुआ था। तो ये कहानी सारी, बड़े बड़े लोग भी विज़िट करते हैं। तो बस फिर जगह है, ज़रूर विज़िट करें बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, दोस्त के साथ, बहुत इन्जॉय करेंगे। लेकिन अच्छे वेदर में आइएगा, मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अभी तो सबसे अच्छा वेदर है, कल बारिश हुई है, तो इस वजह से वेदर जो है वो बहुत अच्छा है। तो अच्छे वेदर में आइएगा, गर्मियों में बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। देखें देखें बिल्कुल बारिश हुई है, मिट्टी दबी हुई है, माने मिट्टी ऊपर होती है, उड़ हवा चले तो उड़ भी रही होती है हर जगह। तो ये देखें अभी सारा सारा ग्रीनरी से भरपूर है। तो ये है बस सिटी से हट के पुरसकून एरिया है। अभी रमज़ान भी आने वाला है, तो रमज़ान के बाद ये वीडियो आप लोग देख पाएंगे, तो ये तो मैं रमज़ान से पहले बना रहा हूँ, आप लोग एक्चुअली रमज़ान के बाद ही देख पाएंगे ये वीडियो, पहले तो नहीं देख पाएंगे हैं। ये देखिए कैसा ग्रैंड ग्रैंड, मतलब इमेजिन नहीं कर सकते कि आप रेगिस्तान में हैं, कैसा ग्रीनरी, बिल्कुल ज़बरदस्त ट्रैक बना के रखा हुआ है इन्होंने। तो वॉकिंग का भी बना लेता हूँ मैं यहाँ पे,
एंड पे पहुंच गया हूँ। तो बहुत बड़ा ट्रैक था, मैं आपको पूरा कवर नहीं कर पा रहा क्योंकि ये इस पे ना आपको तकरीबन ऑलमोस्ट 1 आवर से टू आवर्स तो मिनिमम आपका लगेगा। तो पूरा कवर नहीं किया मैंने, मैंने जो अच्छी जगहें लगी हैं, ब्रिजेज आए जो उनके स्पॉट्स थे वो मैंने आपको बताया दिखा दिए, तो सारा कवर नहीं कर सकते। इस तरह के हार्ड भी उन्होंने हर जगह बना के, तो इस तरीके मैंने बस कवर कर लिया। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, तो ख़ुद विज़िट करने ज़रूर आइएगा इस वीडियो को देख के। असल मकसद मेरा यही होता है बनाने का कि आप लोग विज़िट करें इस प्लेस को, सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं बनाता, मुझे तो कोई इनकम नहीं है कि आप लोग बस विज़िट कर लें किसी तरीके से इस एरिए में। तो वहाँ से हम इंटर हुए थे, तो यहाँ से हम निकल लें। यहाँ से हम निकल रहे हैं, वहाँ से इंटर हुए थे, भाई यहाँ से निकल रहे हैं। मैं जो इंटरेस्ट की जगह भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से इंटर हुए थे। अच्छा, इस पर रनिंग भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि इस पर रनिंग भी कर सकते हैं। ये बस एग्जिट आ गया, देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ भी होगा फिनिश। हाइकिंग ट्रैक है, स्टार्ट भी कर सकते हैं, फ्रिज भी कर सकते हैं। तो ये था पूरा, देखिए यहाँ से हम लोग गए थे, ये देख लें पूरा, हम लोग यहाँ से होके पूरा गए थे ब्रिजिस, पता नहीं कहाँ थे ये, तो यहाँ से गए इस ब्रिज, हमें ये मिला, ये ब्रिज मिला, फिर यहाँ से तो चेंज कर लिया। इस तरीके से था, तो यहाँ से स्टार्ट किया था हमने, देखिए ये था, देखिए यहाँ से स्टार्ट किया था हमने हाइकिंग पर, ये देखिए ये स्टार्ट किया था। ट्रेल स्टार्ट करने का तरीका यहाँ से ना, इस यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखिए इधर से यहाँ से ना यूँ जाएंगे इस तरफ,